बटेशन की तरफ से रिसेंटली फिल्मोरा का लेटेस्ट वर्जन रिलीज किया गया जिसके अंदर भी आपको काफी सारे न्यू एआई के फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आपको फिल्मोरा 13.5 के अंदर कौन कौन से न्यू एक्साइटिंग फीचर देखने को मिलते हैं और आपने उनको यूज किस तरह से करना है। यहाँ पर अगर मेरी स्क्रीन को देखें तो मैं बटेशन फिल्मोरा 13.5 इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर अगर आपने भाई अभी तक इस लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड नहीं किया हुआ तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फोन से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास बटेशन फिल्मोरा 13.5 ओपन है और यहाँ पर एक फुटेज मैंने लगा रखी हुई है। अब जो पहला फीचर हमें देखने को मिलता है ये भाई हमारे पास आ जाता है एआई टेक्स्ट शेप को लेके। अब अगर आप यहाँ पर अपने फिल्मोरा के अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह ले लेते हैं और इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बेसिक पैनल के अंदर रहते हुए आपको भाई यहाँ पर नीचे ही आपको एक शेप का बटन देखने को मिलता है जिस शेप को यूज़ करते हुए आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप्स की शेप्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट टाइप्स की शेप अपने टेक्स्ट के अंदर लगानी है तो वो चीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसका साइज़ वगैरह आप लोग यहाँ पर बड़ा कर सकते हो, इसके अंदर डिफरेंट शेप्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इसके स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए आप इसको यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। साथ ही साथ आपका यहाँ पर सर्कल भी देखने को मिलता है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो हमें नेक्स्ट न्यू फीचर देखने को मिलता है वही भाई हमारे पास यहाँ पर आ जाता है टेक्स्ट टू स्पीच के फीचर के अंदर। यहाँ पर जैसे ही आप लोग आते हैं तो यहाँ पर भाई आपको यहाँ पर एआई वॉइस क्लोन का फीचर देखने को मिलता है जिसके चलते आप अपनी वॉइस को क्लोन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पर आप लोग क्लोन वॉइस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, अब इसके चलते हुए आपका जो एआई सॉफ्टवेयर है वो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेगा, आपकी वॉइस की थिकनेस को रिकॉर्ड कर लेगा और उसके बाद आप यहाँ पर चाहो तो अपनी वॉइस के अंदर कुछ भी इस सॉफ्टवेयर के जरिए बुलवा सकते हो। तो ये जो एआई वॉइस क्लोन का फीचर है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि आपको फिल्मोरा के 13.5 वर्जन के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट एआई फीचर जो हमें फिल्मोरा 13.5 के अंदर देखने को मिलता है ये भाई हमारे यहाँ पर स्टिकर टैब के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर स्टिकर टैब में आते हैं तो यहाँ पर आपको एआई स्टिकर मेकर का फीचर देखने को मिलता है जिसका यूज़ करते हुए यहाँ पर आप इसको किसी भी टाइप की कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बनाना विद टीथ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको बनाना विद टीथ की कमांड दी मैंने सिंपली जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक किया, कुछ टाइम हमसे ये लेगा और हमें यहाँ पर हमारा बनाना विद टीथ जो है उसकी एआई के स्टिकर बनाकर दे देगा जो कि आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसको एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट तरह के इसके मोड्स देख सकते हैं कि जिसके अंदर आपको यहाँ पर 3D में चाहिए, आपको स्केच में स्टिकर चाहिए, आपको वैक्टर में चाहिए, क्रिस्टल में चाहिए या इलस्ट्रेशन में आपको आपका स्टिकर चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ईजिली देख सकते हैं। अब ये कुछ टाइम हमसे लेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बनाना विद टीथ का स्टिकर हमें कैसा देखने को मिल जाता है। बट तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे फिल्मोरा के यही स्टिकर वाले फीचर ने हमें यहाँ पर बनाना निकाल कर दे दिए और इसके अंदर भी तीन तीन दांत भी हमें निकाल कर दे दिए। तो भाई ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और ये नॉन कॉपीराइटेड होते हैं, आप इनको भाई कभी भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये तो भाई कुछ ओवरऑल न्यू फीचर फिल्मोरा 13.5 के लेटेस्ट वर्जन के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक फिल्मोरा के 13.5 वर्जन को डाउनलोड नहीं किया हुआ तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फौरन से जाकर डाउनलोड कर लें क्योंकि फिल्मोरा जो है भाई अब आग लगा रहा है मार्केट को और इसके अंदर भाई आपको ऐसे ऐसे न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि भाई आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को नहीं मिलते। जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट एंड गुड बाय।